हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं राजनीति शास्त्र BA सेकेंड ईयर सेमेस्टर फोर्थ और यूनिट हमारी थर्ड और प्रश्न संख्या 7। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है और हमें किस प्रकार इसमें लिखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, सबसे पहले प्रश्न की फीलिंग को समझेंगे। ठीक है, प्रश्न की फीलिंग को समझेंगे कि प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। तो प्रश्न कह रहा है कि संत, ठीक है, जो संत अगस्टाइन है, ठीक है, संत अगस्टाइन के द्वारा वर्णित दो राज्यों को धारणा का क्या करना है, वर्णन करना है। ठीक है, दो राज्यों की धारणा होना चाहिए यहाँ पर, को नहीं की, दो राज्यों की धारणा का वर्णन कीजिए। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले जो प्रश्न पूछा है वही हेडिंग डालेंगे, संत अगस्टाइन की दो राज्यों की धारणा। तो राजनीतिक विचारों, ठीक है, राजनीतिक विचारों के क्षेत्र में अगस्टाइन के सबसे अधिक महत्वपूर्ण विचार दो राज्यों की धारणा है। ठीक है, क्या है, दो राज्यों की धारणा है। उसके द्वारा दो राज्यों की धारणा का प्रतिपादन उद्देश्य ईसाई धर्म को प्रतिष्ठित करना, ठीक है, विश्वव्यापी प्रसार और एक सार्वभौमिक ईसाई संघ की स्थापना के लिए सैद्धांतिक पृष्ठभूमि तैयार करना था। ठीक है, आगे बात करें तो अगस्टाइन की धारणा के दो राज्य, सांसारिक राज्य या शैतान का राज्य, ठीक है, ये था, और ईश्वरीय राज्य। उसने इन दो राज्यों की धारणा का प्रतिपादन व्यक्ति के दोहरे स्वभाव के आधार पर किया है, उसे विचारानुसार, ठीक है, उसे विचारानुसार व्यक्ति के स्वभाव के दो रूप हैं। ठीक है, एक एक हो जाएगा आपका सांसारिक राज्य जो शरीर से संबंधित होता है, और दूसरा आध्यात्मिक राज्य जिसका संबंध आत्मा से होता है। ठीक है, अपने इस द्विमुखी प्रकृति के कारण लौकिक व दैवी, ठीक है, दो समाजों का सदस्य लौकिक समाज का आधार सांसारिक वासनाएं और क्या प्रवृत्तियां हैं। ठीक है, दैवीय समाज का आधार क्या है, आत्मिक शांति व अमरत्व की भावना है। ठीक है, अगस्टाइन ने दोनों राज्यों के उदाहरण देते हुए लिखा कि रोमन साम्राज्य सांसारिक राज्य का रूप है और ईसाई चर्च समाज ईश्वरीय राज्य का क्या है, प्रतीक है। ठीक है, अब हेडिंग डाल देंगे कौन सी, सांसारिक राज्य तथा ईश्वरीय राज्य की तुलना। ठीक है, क्या इनकी कंपैरिजन, ठीक है, सांसारिक राज्य की और ईश्वरीय राज्य की कंपैरिजन। ठीक है, चलिए अब इनकी तुलना देख लेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे, तुलना देख लेंगे यानी कंपैरिजन देख लेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे, कंपैरिजन। चलिए तो कंपैरिजन की बात कर लें, किसकी बात करें, कंपैरिजन की। सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे कंपैरिजन, तो अगस्टाइन, ठीक है, अगस्टाइन ने सांसारिक राज्य तथा ईश्वरीय राज्य के कुछ लक्षण बताए हैं और इन लक्षणों के आधार पर सांसारिक राज्य की तुलना में ईश्वरीय राज्य की श्रेष्ठता सिद्ध की है। ठीक है, तुलना निम्न प्रकार की है, किस प्रकार की है तुलना, तो लक्ष्य की दृष्टि से। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे लक्ष्य की दृष्टि से, तो सांसारिक राज्य का लक्ष्य मात्र क्या है, शक्ति प्राप्त करना है, जबकि ईश्वरीय राज्य का लक्ष्य क्या है, न्याय की स्थापना। ठीक है, सांसारिक राज्य शक्ति, ईश्वरीय राज्य न्याय, ठीक है, इन दोनों लक्ष्य हो गए इनके। आधार की दृष्टि से, ठीक है, एक हेडिंग ये होगी आपकी आधार, ठीक है, आधार की दृष्टि से सांसारिक राज्य शैतान का राज्य है और जिसका आधार आत्म प्रेम, ठीक है, क्या है, आत्म प्रेम है, जबकि ईश्वरीय राज्य कैसा है, ईसा मसीही, ठीक है, ईसा मसीह राज्य है जिसका आधार ईश्वर से प्रेम है। ठीक है, अगली बात करें तो सदस्यता की दृष्टि से, ठीक है, किसकी, सदस्यता की दृष्टि से सांसारिक राज्य के सदस्य गैर ईसाई होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, गैर ईसाई, जिन्हें ईश्वरीय राज्य में प्रवेश प्राप्ति का अधिकार नहीं है। इसके विपरीत परलौकिकता से संबंधित ईश्वरीय राज्य की सदस्यता ईश्वर की कृपा प्राप्त ईसाइयों, ठीक है, स्वर्गीय आत्माओं का देवगणों की प्राप्ति होती है। ठीक है, का नहीं होगा यहाँ पर, को होगा, ठीक है, स्वर्गीय आत्माओं को देवगणों की प्राप्ति होती है। ओके, चलिए आगे बात करें तो व्यवहार की दृष्टि से सांसारिक राज्य का व्यवहार रंग, जाति, धर्म, स्थान आदि अनेक प्रकार के भेदभाव पर आधारित होता है। ठीक है, कौन सा, सांसारिक राज्य का, किंतु जब ईश्वरीय राज्य की बात करेंगे तो इसका व्यवहार जो है किसी राज्य का भेदभाव नहीं पाया जाता है। ठीक है, ईश्वरीय राज्य में किसी भी राज्य का भेदभाव नहीं होता है। ईश्वरीय राज्य के सभी नागरिकों, ठीक है, सभी नागरिक प्रेम तथा एकत्व की भावना से कैसे होते हैं, प्रेरित होते हैं और ईश्वर में तथा एक दूसरे में समा जाने का आनंद भी लेते हैं। ठीक है, अगला काल अवधि, ठीक है, काल अवधि मतलब काल अवधि की दृष्टि से, ठीक है, टेन्योर की दृष्टि से। ठीक है, सांसारिक राज्य का व्यवहार
रंग जाति धर्म स्थान आदि अनेक प्रकार के भेदभाव पर आधारित होता है, किंतु ईश्वरीय राज्य के व्यवहार में किसी भी राज्य का भेदभाव नहीं पाया जाता है। ईश्वरीय राज्य के सभी प्रेम एकत्व भावना को प्रेरित करते हैं और ईश्वर में तथा एक दूसरे में समा जाने का आनंद लेते हैं। ये जो है डबल हो गया आपकी लाइन, इसे काट देंगे, ठीक है। ये पूरा जो है डबल हो चुका है, ये अभी हमने पढ़ लिया, हेडिंग तो ये पढ़ी है लेकिन ये डबल हो गया, इसे काट देंगे, अगला देखेंगे, ठीक है। ये रहे काल अवधि से, ये रहा हमारा नेक्स्ट पॉइंट। तो सांसारिक राज्य में, ठीक है, पॉइंट क्या है, काल अवधि की दृष्टि से सांसारिक राज्य ईश्वरीय नियमों के उल्लंघन, अन्य राज्यों के अधिकारों के अपहरण तथा पापों, ठीक है, पापों के कारण शीघ्र ही पतन को प्राप्त होता है, ठीक है, और अंत में नष्ट हो जाता है। लेकिन ईश्वरीय राज्य न्याय, शांति और समस्त सद्गुणों से युक्त होने के कारण स्थिर एवं शाश्वत होता है, ठीक है। सेवाइन के शब्दों में बात करें, सेवाइन ने क्या कहा, इनके शब्दों की बात करें तो सेवाइन ने कहा, सभी सांसारिक राज्य एक ना एक दिन नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि सांसारिक शक्ति स्वभाव से ही परिवर्तनशील और कैसी नाशवान है, ठीक है। इसका आधार मानव जीवन की बेप्रवृत्तियां हैं, जो अवश्य ही, ठीक है, जो अवश्य ही युद्ध तथा, ठीक है, शक्ति लोलुपता, ठीक है, क्या शक्ति लोलुपता को क्या देती है, जन्म देती है। आगे बात करें तो ईश्वर ने, ठीक है, ईश्वर ने ईश्वरीय राज्य सबके लिए निर्मित किया है, ठीक है, किसके लिए, सभी के लिए, क्योंकि व्यक्तियों ने अपनी कुप्रवृत्तियों के कारण इस राज्य की सदस्यता का अधिकार क्या कर दिया, खो दिया। अतः अब ईश्वरीय राज्य की सदस्यता मनुष्य को केवल ईश्वर की अनुकंपा पाने पर ही मिल सकती है, ठीक है, ईश्वर की अनुकंपा पर ही डिपेंड करती है। और ईश्वर की अनुकंपा प्राप्त करने का जो साधारण उपाय है वो चर्च के धार्मिक संस्कारों में भाग लेना, ठीक है, चर्च के जो धार्मिक संस्कार हैं उनमें भाग लेना तथा चर्च की शिक्षाओं के अनुसार, ठीक है, चर्च की शिक्षाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करना है। इस प्रकार चर्च या ईसाइयत ईश्वरीय राज्य का प्रवेश द्वार है। जो ईसाई हैं वे सांसारिक राज्य में रहते हुए भी ईश्वरीय राज्य में प्रवेश की अनुमति प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, का नहीं होगा यहाँ पर, की होगा, ठीक है, क्या होगा, की अनुमति, का अनुमति नहीं, की अनुमति प्राप्त कर लेते हैं और प्रविष्ट हो जाते हैं। जबकि गैर ईसाई ईश्वरीय राज्य में प्रवेश के सदा अयोग्य ही बने रहते हैं, और इस प्रकार जो ईश्वरीय राज्य में प्रवेश पाना चाहते हैं उन्हें पहले ईसाई धर्म को स्वीकार करना ही पड़ेगा, ठीक है। यह अंतिम बात संत अगस्टाइन के दो राज्यों का सिद्धांत का क्या है, सार है, ठीक है, ये जो लास्ट पॉइंट है ये इसके क्या है, दो राज्यों के सिद्धांत का सार है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपने प्रश्न को एंजॉय किया होगा, आराम से समझा होगा। अब जैसा कि आपको पता है आपको रिवाइज करना है, ठीक है, तुरंत रिवाइज करना है, आपने जितना पढ़ा माइंड में सेट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा उपयोगी है। अपनी समझ के अनुसार जैसी आपको स्पीड आप समझ सकें उस स्पीड में लगाकर इसे क्या कर ले, समझ लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न के साथ, ठीक है, अगले प्रश्न के साथ मिलेंगे। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट।